हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है अटॉर्नी जनरल एंड कैग। कैग मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राइट। तो आज हम देखेंगे इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इनका रिमूवल कैसे होता है, इनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने ईयर्स का होता है और कब तक ये अपने ऑफिस में रह सकते हैं। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, मतलब कि लॉ ऑफिसर होता है। तो लॉ ऑफिसर होता है तो इट मींस कि वो लीगल मैटर्स पे एडवाइस देगा, ठीक है। तो जो भी अपनी लीगल करेक्टर की ड्यूटीज है वो सारी की सारी परफॉर्म करेगा, जो भी उसको बाय द प्रेसिडेंट असाइन की जाती है, राइट। तो यही होता है अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया का, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो अपने ऑफिस में जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक रह सकता है, ठीक है। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? इसके लिए सेम क्वालिफिकेशंस चाहिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए, राइट। तो जो भी अपने उसके काम होते हैं अटॉर्नी जनरल के, वो सारे काम करता है जो भी उसको कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ के द्वारा दिए जाते हैं, वो सारे फंक्शंस अटॉर्नी जनरल करता है। रेफरेंस आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76, राइट। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ठीक है। अब ये जो अटॉर्नी जनरल इंडिया का होता है वो कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, ठीक है। बट ही हैज द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पर जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें वो बोल सकता है, ठीक है। और अगर कोई कमेटी बनी है, ठीक है, तो उस कमेटी में भी वो अपनी बातचीत कर सकता है, ठीक है। मतलब अपने व्यू पॉइंट कमेटी के सामने रख सकता है, ठीक है। बट ही हैज नो राइट टू वोट, ठीक है। बट उसमें वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जहाँ कोई कमेटी बनी है उसमें वो अपने व्यू पॉइंट रख सकता है, बट वहां पे कोई वोटिंग राइट नहीं होता उसके पास, ठीक है। तो कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 88 में। ही इज इंटाइटल टू द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सारे मिलते हैं जितने किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज अटॉर्नी जनरल हैज राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी भी कोर्ट में जाकर परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो ही इज नॉट अ होल टाइम काउंसिल, ठीक है। वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई होल टाइम काउंसिल नहीं होता, ठीक है। इट मींस कि वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है अगर चाहे तो, राइट। नेक्स्ट आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका अब देखो इसमें आता है ऑडिटर, ठीक है। ऑडिटर से हमें क्या समझ आती है कि वो कोई ऑडिटिंग का काम करता होगा, ठीक है। तो ऑडिटिंग किसकी होती है? फाइनेंसेस की होती है, एक्सपेंडिचर की, जो भी हमारे रेवेन्यू हुए, रिसीट्स हुए, ये सब चीज़ों की, ठीक है। तो क्या क्या कंट्रोल करता है? इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ यूनियन एज वेल एज स्टेट, ठीक है। सारे के सारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। रेफरेंस आर्टिकल कौन सा है? 148। 148 में मेंशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट इसको रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कौन करता है? Only on the address from both houses of the parliament, ठीक है। रिमूव करने के लिए दोनों हाउसेस में जाएगा केस, ठीक है। और किस ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है इसको? टू प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। कुछ मिसबिहेवियर किया उसके बेसिस पे भी रिमूव किया जा सकता है, या फिर हमें लग रहा है कि ये अपने काम प्रॉपरली नहीं कर रहा, ठीक है। अब अपने काम करने के लिए ये प्रॉपर अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस केसेस में इसको रिमूव किया जा सकता है, राइट। तो इसकी जो सैलरी होती है या कंडीशन ऑफ सर्विस होती है, दे आर लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट एंड कांट बी वेराइड टू हिज डिस्चार्ज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है। सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विसेज सारी पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है। तो टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पे, ठीक है, इसको इसकी जो सैलरी है या कंडीशन ऑफ सर्विस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, राइट। The term of office of the Comptroller and Auditor General is 6 years. अब term क्या होता है इसका? 6 साल का होता है, ठीक है। But
मैक्सिमम एज क्या होती है कैग बनने के लिए? 65 ईयर्स। सो अगर कोई पर्सन है ठीक है वो 61 ईयर्स का है और उसको कैग के लिए अपॉइंट कर दिया ठीक है, तो जब वो 65 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको उसको ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब रिमूव तो नहीं कहना कह सकते हम, उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा ठीक है, जब वो 65 ईयर्स का हो जाएगा। तो मतलब इस केस में क्या है, विदाउट कंप्लीटिंग 6 ईयर टर्म उसको पहले ही अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ता है ठीक है। तो ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज ऑफ हैंड ठीक है। अब वो अपने ऑफिस से रिजाइन भी कर सकता है ठीक है। तो अपना जो रेजिग्नेशन होता है वो किसको देता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ठीक है। उससे पहले अगर चाहे तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं बाय द इम्पीचमेंट राइट। तो जो उसकी सैलरी होती है वो होती है इक्वल्स टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जितनी सैलरी एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है सेम सैलरी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी होती है राइट। तो उसकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज होती है दे आर सिमिलर टू एन आईएएस ऑफ द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है। तो उसकी कंडीशन ऑफ सर्विस किसके इक्वल होती है, कोई भी पर्सन आईएएस जो कि एक सेक्रेटरी रैंक तक पहुंच चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर राइट। अब देखो जब आप आईएएस बनोगे ठीक है, वो वाला रैंक नहीं, जो आईएएस रैंक का बंदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच चुका है ठीक है, उसके इक्वल होती है इसकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज राइट। ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं कर सकता। द सैलरी ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिज स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव ठीक है। अब इसकी सैलरी, इसके स्टाफ की सैलरी और इसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सारे कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब ये अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं तो इट मींस ये सारे के सारे नॉन वोटेबल होते हैं, इन पे कोई वोटिंग नहीं होती राइट। तो अब देखते हैं इसकी मेन ड्यूटीज ठीक है, इसके काम क्या होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के काम क्या होंगे ठीक है। नाम से ही पता चलता है ऑडिटिंग का काम होएगा। अब ऑडिटिंग कहाँ कहाँ करता है ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे ठीक है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का हो या स्टेट का हो या फिर यूनियन टेरिटरी का हो, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ठीक है, उसके एक्सपेंडिचर को ऑडिट करने का काम कैग का होता है ठीक है। ये देखता है कि वो सारे के सारे जितने भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर हुए हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सब चेक करने का काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का राइट। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कॉन्टिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ठीक है। अब यूनियन का और स्टेट का कॉन्टिंजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ठीक है, उसको ऑडिट करने का काम कैग का होता है ठीक है। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा कि दो फंड है हमारे इंडिया में, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, दूसरा है कॉन्टिंजेंसी फंड राइट। तो कॉन्टिंजेंसी फंड होता है एमरजेंसी के लिए, कोई एमरजेंसी आ गई, कोई डिजास्टर हो गया ठीक है, तो उस टाइम पे हम पैसा निकालते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड से ठीक है। और जो हमारे डेली मर्रा के खर्चे होते हैं वो निकलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राइट। तो इन दोनों फंड्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया राइट। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है, सॉरी जो भी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं ठीक है, उनको ऑडिट करना, ये सारा काम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का राइट। टू सी दैट रूल्स एंड प्रोसीजर इन दैट बिहाफ आर डिजाइन टू सिक्योर एन इफेक्टिव चेक ऑन द असेसमेंट कलेक्शन एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रेवेन्यू ठीक है। और जो रेवेन्यू है उसकी प्रॉपर कलेक्शन हो रही है, उसकी प्रॉपर एलोकेशन आगे स्टेट्स को मिल रही है नहीं मिल रही है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब देखने का काम होता है कैग का राइट। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज ठीक है। सारी जो यूनियन या स्टेट रेवेन्यू की होगी या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनीज की हो गई या किसी कॉरपोरेशन की या किसी बॉडी की ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की रिपोर्ट तैयार करना, उनको ऑडिट करना, वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब चेक करने का काम होता है कैग का राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट हम करेंगे पार्लियामेंट के बारे में स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अगर इसमें कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।